हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल देसीफाइड उम्मी। आज की वीडियो में हम बात करेंगे PSW के बारे में, पोस्ट स्टडी वर्क वीजा, जिसको ग्रेजुएट रूट वीजा भी कहा जाता है। और बहुत बहुत ज्यादा क्यूरीज मुझे आ रही हैं वीडियोस के नीचे, कमेंट्स भी आप लोग कर रहे हैं और इंस्टा पर भी बहुत मुझे क्यूरीज इसके बारे में आ रही हैं कि अगर मैं फैमिली को अभी नहीं बुलाता स्टडी वीजा पर और PSW पे बुलाऊं तो क्या फैमिली आ सकती है, क्या PSW जो है वो मैं एक से ज्यादा दफा अवेल कर सकता हूँ, क्या जो है वो PSW मुझे मिल सकता है अगर मैंने कोर्स फेल कर दिया है या मैंने कोर्स पूरा नहीं किया। ये तमाम चीजें आज की वीडियो में मैं क्लैरिफाई करूंगी। लेकिन उससे पहले आप लोगों ने अगर मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लें और जो है उसके बाद मैं आपको सारी डिटेल बताती हूँ। तो चलें वीडियो को शुरू करते हैं। पोस्ट स्टडी वर्क वीजा जो है, अभी जितने भी रिसेंटली यूके में जितने भी रूल्स चेंज हुए हैं उसमें अभी तक PSW पे कोई इम्पैक्ट नहीं आया, थैंक गॉड, थैंकफुली। और अभी तक PSW का वही सिस्टम है जो कि था कि 2 साल का PSW आपको मिलेगा। और अगर एक दफा आप यूके के अंदर लैंड कर जाते हो ऑन अ स्टडी वीजा, जब तक के PSW के बारे में कोई चीज नहीं क्लैरिफाई होती तो आपके ऊपर वही रूल अप्लाई होगा, यानी कि आपको 2 साल का PSW ही मिलेगा। उसके बाद अगर कोई चीज वो चेंज कर भी देते हैं तो होपफुली वो प्रीवियस ईयर्स के जो स्टूडेंट्स हैं उनके ऊपर इम्पैक्ट नहीं करेगी। अब बात कर लेते हैं कि PSW किन लोगों को मिलता है। तो अगर आप ये कहें कि मैंने अपनी डिग्री पूरी नहीं की या मैंने जो है वो डिग्री के कुछ कोर्सेज मैंने फेल कर दिए हैं, या अगर आपके डिग्री आपको मिली ही नहीं है, सर्टिफिकेशन आपको मिल रही है, तो क्या आप PSW ले सकेंगे? तो देखें, अनफॉर्चुनेटली उस सूरत में आप PSW नहीं ले सकते, क्योंकि जो ग्रेजुएट रूट वीजा है यानी कि जो PSW है उसके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो है वीजा का वो ये है कि आपका जो डिग्री प्रोग्राम है वो कंप्लीट हुआ हुआ होना चाहिए और आपने अपने तमाम मॉड्यूल्स को पास किया हुआ होना चाहिए। अब इसमें थोड़ी सी जो कन्फ्यूजन स्टूडेंट्स के अंदर आती है वो ये कि अगर फर्स्ट अटेम्प्ट में आपका कोई कोर्स फेल हो जाता है तो यहाँ यूके में आपको रीसेट का चांस दिया जाता है, एक और चांस दिया जाता है कि आप अपना कोर्स क्लियर कर लो ड्यूरिंग द ड्यूरेशन ऑफ योर डिग्री। तो अगर आप दूसरी अटेम्प्ट में अपना कोर्स क्लियर कर लेते हो तो आपका कोर्स पास हो जाएगा, डिग्री आपकी कंप्लीट हो जाएगी और किसी भी किस्म के आपके वीजा के ऊपर आपके आपके फेलियर का कोई इम्पैक्ट नहीं आएगा, आप PSW ले सकोगे। लेकिन इन केस अगर आप दूसरी अटेम्प्ट में भी अपना कोर्स पास नहीं करते हो और आप जो है उसको क्लियर नहीं कर पाते तो फिर आपको डिग्री नहीं मिलेगी, आपको सर्टिफिकेशन मिलेगी बिकॉज आपने अपने मॉड्यूल्स क्लियर नहीं किए हैं। उस सूरत में आपको जो है वो सर्टिफिकेशन मिलती है और आप PSW अवेल नहीं कर सकोगे, क्योंकि उसकी रिक्वायरमेंट यही है कि आपकी डिग्री पूरी होनी चाहिए और तमाम मॉड्यूल्स आपने अपनी डिग्री के क्लियर किए हुए होने चाहिए। दूसरी चीज जो बहुत ज्यादा सवाल आ रहा है वो ये आ रहा है कि फैमिली को अगर हमने स्टडी वीजा पर अब जैसे बंद कर दिया है, जनवरी 2024 से आप अपने डिपेंडेंट्स को नहीं ला सकते, तो अगर डिपेंडेंट्स को नहीं ला सकते तो क्या उन्हें हम PSW पे अगर बुला लें? तो देखें, ये भी आप नहीं कर सकते क्योंकि PSW की रिक्वायरमेंट यही है कि अगर आपके जो डिपेंडेंट्स ने आपको स्टडी वीजा पर अकॉम्पनी किया है सिर्फ वही PSW पर भी कंटिन्यू कर सकेंगे, या अगर आप स्टडी वीजा पर यूके आए और आपके यहाँ किसी कोई बेबी जो है उसकी बर्थ होती है तो वो आप उसको आप PSW पर अपने साथ शिफ्ट कर सकते हैं बिकॉज ही और शी विल बी बॉर्न इन यूके, तो उसको आप PSW पे कन्वर्ट अपने साथ करा सकते हो। बट नए डिपेंडेंट्स को पाकिस्तान या इंडिया या कहीं भी दूसरी कंट्री से बुलाना जस्ट ऑन PSW इज नॉट इट्स नॉट अवेलेबल फॉर यू, ये ऑप्शन ही अवेलेबल नहीं है। तो अगर आपके डिपेंडेंट्स आपके साथ स्टडी वीजा पर नहीं आ रहे तो फिर आप अपने डिपेंडेंट्स को नहीं बुला सकोगे PSW के ऊपर। और इसके बाद बात कर लेते हैं जो कि बहुत बहुत ज्यादा, बहुत ही ज्यादा इसके बारे में मुझे क्यूरीज आई है कि मुझे वीडियो में इसको लाजमी शामिल करना ही था क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट बात है। किसी मेरी सब्सक्राइबर ने मुझसे पूछा था और उसके बाद फिर बहुत सारे लोगों ने मुझसे चीज पूछी कि अगर एक दफा जैसे मैंने मास्टर्स कर लिया है, मैं PSW ले लेती हूँ, PSW खत्म होने से पहले अगर मैं एक और डिग्री प्रोग्राम में दाखिला ले रूं जैसे PhD या कोई और एक और मास्टर्स, तो क्या उसके बाद मुझे दोबारा PSW मिलेगा, यानी कि 2 बार क्या मैं PSW ले सकती हूँ? तो देखिए, इसके ऊपर मैंने थोड़ा सा रिसर्च किया है और ये बात मुझे पता लगी है कि आप अनफॉर्चुनेटली ये भी नहीं कर सकते। PSW वंस इन अ लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी है, आप बैचलर्स मास्टर्स या PhD के बाद
एक दफा PSW ले सकते हैं। अगर आपने अपने मास्टर्स के बाद अवेल कर लिया तो फिर आप अगली कोई भी फर्दर डिग्री पढ़ोगे, PhD हो या मास्टर्स हो, आप दोबारा PSW नहीं ले सकते। हाँ, अगर आप ये करते हो कि आपने एक डिग्री प्रोग्राम पढ़ा और आप उसके बाद वापस इंडिया पाकिस्तान चले गए, आपने PSW अवेल नहीं किया, आप दोबारा से एडमिशन लेकर आ गए PhD में और उसके बाद आपने PSW के लिए अप्लाई किया, तो वो आपकी फर्स्ट अटेम्प्ट काउंट होगी और आपको PSW ग्रांट हो जाएगा। लेकिन अगर आप मास्टर्स करके PSW पे रहे और उसके बाद आपने कोई और डिग्री पढ़ ली, तो आपको स्टडी वीजा तो दोबारा मिल जाएगा लेकिन आपको उसके बाद दोबारा से PSW नहीं मिलेगा। ये सारी चीजें बहुत टेक्निकल पॉइंट्स हैं, बहुत बारीक चीजें होती हैं, बट इनका बहुत ज्यादा इम्पैक्ट होता है। स्टूडेंट्स हर हवाले से सोचते हैं कि किस तरीके से हम अपने जो UK में स्टे है उसको लंबे से लंबा कर सकते हैं लीगल वे में, और इसीलिए वो इन सारी चीजों के बारे में सोचते हैं और इन सब चीजों के बारे में जानना भी चाहते हैं। तो अगर आपके जहन में भी ये सवालात थे PSW से मुतल्लिक, तो आई एम श्योर आज की वीडियो के बाद क्लैरिटी आपको मिली होगी और इस वीडियो से आपको कुछ ना कुछ बेनिफिशियल चीज पता लगी होगी। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर जरूर कीजिएगा और कमेंट करके भी मुझे जरूर बताइएगा कि आपके जहन में और क्या क्या सवालात हैं, क्या चीजें हैं जिनके बारे में आप वीडियोस देखना चाहते हैं। सितंबर इंटेक वाले बहुत सारे लोगों का वीजा आ गया है, आने वाला है, प्रोसेसिंग में है, कैश लेटर्स मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स को मिल चुके हैं, तो बहुत जल्द अब मैं आप लोगों के लिए पैकिंग से रिलेटेड वीडियोज लेकर आऊंगी, जिसके अंदर मैं आपको ये बताऊंगी कि आपने क्या क्या चीजें पैक करनी है। स्पेशली बेबीज के लिए एक वीडियो बनाऊंगी क्योंकि बहुत सारे लोग इस इनटेक में वो आ रहे हैं जो कि जिनके साथ डिपेंडेंट्स हैं, जिनके साथ बच्चे हैं, मेजॉरिटी तादाद उन्हीं स्टूडेंट्स की है, बिकॉज ये लास्ट इनटेक है जिसमें आप अपने डिपेंडेंट्स को ला सकते हैं। तो मैं एक डिटेल्ड वीडियो बनाऊंगी जिसमें मैं आपको बताऊंगी कि बच्चों की क्या क्या चीजें आपने अपने साथ लानी है, क्या क्या चीजें आपने अपने साथ नहीं लानी, जो यहाँ पर बहुत अच्छी क्वालिटी में, बहुत अच्छी प्राइस में आपको मिल जाती हैं। पर्सनल एक्सपीरियंस से हर चीज आपके साथ शेयर करूंगी, तो तमाम ऐसी जो आपके लिए इंटरेस्टिंग और बेनिफिशियल वीडियोस हैं उनको देखने के लिए आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना है और बेल आइकन को भी प्रेस कर देना है ताकि सबसे पहले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिले। तो दुआओं में याद रखें, मेक गुड चॉइसेस, मेक वाइज डिसीजंस। मिलते हैं एक और वीडियो में। बाय बाय।